Destur! Sultan Uhud Hazretleri! Burada devlet de benim. Şimdi hedefimiz bir tarafta Bursa, bir taraftaysa İzmir. Yenişehir başşehrimiz olacak. होसे चाहने वालों को अब उस्मान साहब को सुल्तान बनता देखने का बेसब्री के साथ इंतजार है। आने वाले सीजन में हमें बहुत सी नई तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। अब हमें काई कबीले के हालात मुख्तलिफ दिखाई दिए जाएंगे और ज्यादा ये भी चांसेस हैं कि अब काई कबीला यानी शहर में मुंतकिल हो जाएगा। सलजोक रियासत की हुक्मरानी से आज़ादी का ऐलान करने के बाद उस्मान साहब अपनी नई रियासत के कायम का आगाज करेंगे और यानी शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाएंगे और अपने खुद मुख्तियार सल्तनत का ऐलान करेंगे। एक कामयाब रियासत को कायम रखने के लिए बहुत से बहादुरों की ज़रूरत होती है और में काफ़ी नए बहादुर देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले अहमद सिपाही की एंट्री देखने को मिलेगी, जिसका जिक्र बाला ने कुल्लू उस्मान सीजन 3 की लास्ट एपिसोड में किया था, जो अपने बेटों को बताते हुए कहती है कि बहुत जल्द आपका भाई अहमद अपने कबीले में वापस आ रहा है। और हमें इस सीजन में अक्चा की भी एंट्री देखने को मिलेगी। और आपको बताते चलें कि तारीख के मुताबिक उस्मान साहब के 6 बेटे थे, जिनमें हमें 2 बेटे उरहान और अलाउद्दीन सीजन 3 में दिखाई दिए गए हैं और उसमें हमें फातिमा को भी दिखाई दिया गया है। हमें उम्मीद है कि सीजन 4 में उस्मान साहब के बाकी बेटों की एंट्री भी दिखाई दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।